ठीक है, वापस अपना चलो देखो रिकॉर्ड में जाओ, टेस्ट रिकॉर्ड में। हाँ यहाँ पे टेस्ट टेस्ट रिकॉर्ड रिकॉर्ड में है में वाप पेज एडिट पेज, एडिट पेज। हाँ पेज ना। इसको बंद कर दें ये वाला। अच्छा ब्लू बॉक्स बंद करो। हाँ डिटेल्स में जा। क्लिक किया। हाँ भाई अच्छा स्क्रॉल अप करो। वो अकाउंट लेआउट दिख रहा है ना, अब देखो एक ही दिख रहा है, पहले तीन चार दिख रहा था ना, अब एक ही दिख रहा है प्रीव्यू। तो हाँ रुको, अब क्लिक मत करना, रुको। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे है हाँ कि कोई भी पेज को मॉडिफाई करना है तुमको तो दो तरीका है अभी फिलहाल। ओके, तरीका है बहुत सारा, लेकिन अभी हम दो तरीका बता रहे हैं। जब भी कोई पेज को मॉडिफाई करना है तो पहला तरीका है सेटअप वाला, सेटिंग्स वाला बटन में क्लिक करो सेटअप वाला, और वहां से एडिट पेज करोगे। हाँ एडिट पेज करोगे तो जैसा तुम्हारा पेज है वैसा पेज दिखेगा। वहां से तुमको हाँ डिटेल्स में जाके, डिटेल्स में आके वहां पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा लेआउट दिखेगा, रिकॉर्ड डिटेल में वो लेआउट दिख जाएगा जितना भी है। तो अभी जैसा कि हम बताएं, हम लोग सिर्फ एक लेआउट पे कंसंट्रेट करेंगे, मल्टीपल लेआउट बाद में सीखेंगे, इसलिए बाकी हाँ सारा हाँ लेआउट डिलीट करवा दी ताकि एक ही लेआउट पे कंसंट्रेट करें। तो ये पेज हो गया। अब दूसरा तरीका है अगर पेज लेआउट में जाने का, तो ऑब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके, जैसे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में आते हैं तो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप के नीचे पेज लेआउट होता है, वहां से भी जाओगे तो भी तुमको सेम जगह मिलेगा। तो इस यहाँ से इसलिए सिखा रहे क्योंकि सीखना दोनों जरूरी है, या और ये इजी टू नेविगेट है। उसके लिए तुमको सेटअप में जाओगे, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाओगे, ऑब्जेक्ट फाइंड करोगे, अकाउंट है तभी ना यार तुमको ऊपर दिखता है। तो लेकिन दूसरा और अकाउंट है तो सर्च करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहां उतना जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से इजी है। अब यहाँ से हाँ, लेआउट में क्लिक करो, अकाउंट लेआउट में। अकाउंट लेआउट इसमें अच्छा तो तुम्हारा पेज यहाँ खुल गया। अब पेज खुलने के बाद क्या करना है हम लोग को, इस पेज को नीचे आओ, देखो नीचे आओ डिटेल्स वाला में। रहे हैं धीरे धीरे आना है ना। धीरे धीरे जहाँ से फिर बस रुक जाओ। अकाउंट डिटेल देखो, यहाँ लिखा हुआ क्या है, अकाउंट डिटेल और बटन, इतना सारा बटन दिया हुआ है, और उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन में उतना सारा फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ इस यहाँ पे अभी अभी फिलहाल तुमको हम दो चीज़ सिखा रहे हैं, दो ही चीज़, तो बाकी बाद में सीखेंगे हम लोग। एक दो चीज़ सिखा रहे हैं, एक चीज़ दिखा रहे हैं, तो जो दिखाना है वो पहले दिखा देते हैं। तो जैसे ही लेआउट में आया तो देखो तुम ऑब्जेक्ट मैनेजर में अपने आप आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया ना। ये जो पेज खुला ये ऑब्जेक्ट मैनेजर है, ऑब्जेक्ट मैनेजर का पेज लेआउट है देखो जो हम बता रहे थे, है ना। तो वहां से ही तुम एडिट पेज से गया, लेकिन इवेंचुअली तुमको कहाँ लेके आ गया, ये ऑब्जेक्ट मैनेजर का पेज लेआउट में ऑटोमेटिक लेके आ गया। ठीक है, जो कि तुम वहां से सेटअप से भी जा सकते थे, लेकिन वो लंबा प्रोसेस था, ये इजिली तुम यहाँ आ सकता है पहला जो दिखाना था। अब दो चीज़ जो बताना है, वो दो चीज़ में ये है, इसमें इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम लोग का कंसंट्रेशन सिर्फ पेज को, पेज में फील्ड मॉडिफाई करना है। तो तुमको ऊपर वाले बॉक्स में क्या दिख रहा है, डिलीट चेंज ऑनर चेंज रिकॉर्ड टाइप डिलीट अगर ऊपर वाला यूनिट बॉक्स बोले, ग्रे 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 बॉक्स में क्या दिख रहा है। ग्रे वाला बॉक्स में तुम्हारा सेव है, क्विक सेव है, प्रीव्यू एज है, कैंसल है, अनडू है, रीडू है, लेआउट प्रॉपर्टी है ना। ग्रे वाला बॉक्स जहाँ कर्सर है तुम्हारा, वहाँ पे ये सारा बटन जो हम नाम बोले वो है, दिखा ना। हाँ तो वो तुम्हारा वो तुम्हारा जो बटन है, वो सारा बटन जो है तुम्हारा पेज का एक्शन है, कि जो पेज को मॉडिफाई करोगे तो पेज को सेव करने के लिए, पेज का क्विक सेव करने के लिए, पेज को देखने के लिए जो चेंज किए हो, प्रीव्यू जैसे दिखता है। किसे हाँ कैसे प्रिंट प्रीव्यू कैसे होता है वर्ड में, हाँ तो वैसे ही पेज प्रीव्यू है। फिर तुम्हारा कैंसिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ घुस गए चेंज करने, लेकिन मन नहीं चेंज करना, कैंसिल करने के लिए अंडू रीडू सेम चीज़ है। अगर तुम कोई गलती से एग्जिस्टिंग में चार पांच फील्ड डाल दिया, उसको अंडू रीडू कर हाँ सकता है। लेआउट प्रॉपर्टीज बाद में सीखेंगे। अब इसमें दूसरा चीज़ क्या है, एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है फील्ड्स, बटन्स, कस्टम हाँ लिंक्स, वो सारा। तो उतना सारा हमको नहीं सीखना अभी फिलहाल, सिर्फ एक ही चीज़ सीखना है, वो है फील्ड्स। फील्ड्स ठीक है, तीस बाकी चीज उसी बॉक्स में, ग्रे बॉक्स में फील्ड्स में क्लिक किया, मतलब फील्ड से रिलेटेड चीज दिखा रहा तुमको राइट साइड में। ठीक है, तो उसमें दिखा रहा है क्या, दिखा रहा तुमको सेक्शन दिखा रहा है, ब्लैंक स्पेस दिखा हाँ
फील्ड्स हैं उसमें दिखा रहा है तुमको, सेक्शंस दिखा रहा है, ब्लैंक स्पेस दिखा रहा है, बाकी जो फील्ड वो दिखा रहा है। इसका मतलब ये है सेक्शंस और ब्लैंक स्पेस क्या होता है। सेक्शन से तुम सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। सेक्शन में क्लिक करो, ड्रैग करके नीचे ड्रॉप करो, नीचे पेज में ड्रॉप करो, दिखा देते हैं क्या होता है। नीचे कहाँ आओ, ले जाना? नीचे नीचे आओ, उसको नीचे अपने आप आ जाएगा, देखो ना, नीचे आओ, अपने पेज सर्च करेगा, देखो वो कहीं भी है, वहाँ कहीं भी छोड़ दो, ऊपर ऊपर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जहाँ ग्रीन ग्रीन दिख रहा तो वहाँ कहीं भी लाके छोड़ सकता है। एक सेकेंड, हाँ चलो ऊपर, अच्छा रुक जा। अरे ठीक है, उसको उसको रहने दो, ऐसे ही देख लो, एग्जिस्टिंग में ही देख लो। देखो ये पूरे, धीरे धीरे, वेट वेट, तो ये पूरा पेज है, इस पेज में दिख रहा है तुमको कस्टम लिंक्स, डिस्क्रिप्शन, सिस्टम इन्फो, एडिशन दिख रहा है ना। तो ये सब हाँ सेक्शन है तुम्हारा, मतलब कि दो कॉलम का जो पेज होता है, उस दो कॉलम के पेज में तुमको अपना अलग अलग सेक्शन बनाना है फील्ड का। जैसे कि यहाँ बिलिंग एड्रेस रिलेटेड फील्ड है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फील्ड है, उसका ऊपर जाओ तो बहुत सारा। तो ये इसमें तो हम लोग का हर जगह दो दो ठो है ना, दो फील्ड है, वही तो बोला था यहाँ दो फील्ड है, वहां तीन फील्ड, हाँ इसी पर। वो, हाँ वो नहीं बता रहे अभी, अभी हम सेक्शन बता रहे हैं। सेक्शन समझो, सेक्शन का मतलब हुआ कि एक पेज को मल्टीपल भाग में बांटना, रो हाँ वाइज। पार्टी, ये जो तुम ग्रे ग्रे देख रहे हैं ना, एड्रेस और एड्रेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हाँ कहाँ देख रहा है? है ना, एड्रेस इन्फॉर्मेशन हाँ ये तो। हाँ हाँ तो वो जो दिख रहा है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन, कस्टम लिंक्स, वो सारा सेक्शन है। इसी तरह से अगर तुमको और सेक्शन बनाना है तो उस सेक्शन को ड्रैग ड्रॉप करके सेक्शन बना सकते हो, ठीक है, पेज में। वो आगे चल के देखेंगे कहाँ काम है, अभी मत बनाओ, जब बनाना हो तो बना लेना अभी। अगर डाल देंगे तो यहाँ एक सेक्शन बन जाएगा ना, बिल्कुल। हाँ वहाँ डाल दोगे तो सेक्शन बन जाएगा। सेक्शन सेक्शन का नाम बताएगा, बताने बोलेगा सेक्शन का कैसे करना, दो कॉलम वन कॉलम वो बताने बोलेगा, ठीक है। तो जो भी सेक्शन डालोगे उस सेक्शन का तुम उसका कॉलम डिजाइन डिसाइड कर सकते हो, कि एक कॉलम रखना है या दो कॉलम रखना है, ठीक है। अभी इसको कैंसिल कर दो, ये बाद में सीखना, ठीक है। तो वो अभी हम लोग नहीं कर रहे। दूसरा चीज़ है ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस क्यों डालते हैं? अब ऊपर स्क्रॉल करो थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल पेज में, पेज में हाँ उसमें हल्का कलर करो धीरे धीरे बस। तो मान लो ब्लैंक स्पेस मतलब कि अगर बीच में तुमको कोई एक फील्ड के जगह में तुमको खाली जगह चाहिए, खाली जगह डालने के लिए वो ब्लैंक स्पेस का यूज करते हैं। मान लो वेबसाइट और टिकट सिंबल के बीच में उनको एक स्पेस चाहिए था, ठीक है ना, हाँ तो वहाँ पे हम स्पेस को ड्रैग करके वहाँ ड्रॉप कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वहाँ एक स्पेस आ जाएगा, स्पेस समझा? कहाँ है? हाँ वो तो ब्लैंक सेक्शन के बाद ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस हाँ तो है, ब्लैंक स्पेस। उसको उठा के कोई भी फील्ड के बीच में डालोगे तो उसका एक स्पेस बन जाएगा। मतलब हमको जगह चाहिए दो फील्ड के बीच में कोई भी हाँ पेज को मैच मैच करने के लिए, तो तो उसका उसमें यूज अगर करते हैं। वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, अगर मतलब वहाँ पे स्पेस आ जाएगा, फील्ड के जगह में स्पेस आ जाएगा। यहाँ डाले तो इसमें स्पेस आ गया, तो मतलब ब्लैंक स्पेस। हाँ, तो रेटिंग और फोन के बीच में एक स्पेस आ गया, तो वो ब्लैंक स्पेस है। तीसरा चीज और बाकी चीज ये है कि जो भी फील्ड बनाते हो, अगर फील्ड को तुम नहीं डालते हो पेज पे, तो तुमको यहाँ से उठा कर ड्रैग ड्रॉप करना होगा, सर्च करना होगा फील्ड नेम। अब जैसे कि फर्स्ट नेम तुम बनाया है, फर्स्ट नेम सर्च करो वहाँ पे फील्ड नेम वाला क्विक फाइंड में, सेक्शन के ऊपर में देखो क्विक फाइंड है फील्ड हाँ नेम, फर्स्ट टाइम है ही। है ना, तो उस पर क्लिक करो, वो दिखा देगा कहाँ है, देखो, है ना। तो अब तुमको बनाना है तुम्हारा सिबल वाला के हिसाब से, तुम क्या करेगा मान लो यहाँ, इसको हमको ऊपर ले जाना है। रुको रुको रुको, सबसे पहला तो यहाँ से बहुत सारा चीज़ तुमको हटाना है जो तुम्हारा वाला से मैच नहीं कर रहा है। नहीं मान करना, हाँ लो लेफ्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, अकाउंट ओनर तो कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे में, अकाउंट ओनर को डिलीट करो नीचे, नहीं अबे नीचे से डिलीट, देखो डिलीट हो रो में क्लिक, देखो उसमें दिख रहा है ना माइनस, उससे डिलीट हो गया, तो डिलीट हुआ अंदर से पेज से हटा, लेकिन फील्ड है वहाँ पे। एक डिफरेंस देखना, जो भी ऊपर में फील्ड तुम्हारा हाईलाइटेड है मतलब वो पेज में नहीं है, जो हाईलाइटेड नहीं है मतलब वो पेज में है, समझा? एक सेकंड, ये जैसे हाईलाइटेड है ये सब हाँ तो वो पेज में नहीं है, पेज में, यहाँ नहीं है, और नहीं है वो ये सब जितना सारा ये पेज में है। पेज हाँ में है, समझा? तो अब यहाँ से और हटाओ, जैसे ये माल इंडस्ट्री और नहीं है तुम्हारा इंडस्ट्री, एनुअल रेवेन्यू ये सब नहीं है, फर्स्ट नेम को सब फर्स्ट नेम, तो इंडस्ट्री और उसको हटाओ,
तो ये सब चीज़ से हटा सकता है, ठीक है, बाद में कर लेना। अभी तुमको ऊपर लाना है तो फर्स्ट नेम को खींच के ऊपर ले, ड्रैग ड्रॉप चीज़ है वो, नाम फर्स्ट नेम को उठा के फर्स्ट नेम हटोगे हमको अगर यहाँ ले जाना है तो ना, हाँ यहाँ रख वो ड्रैग सकते, ड्रॉप, हाँ चाहे तो हम यहाँ रख सकते। कहीं भी रख सकता है, तो या अपने मान लीजिए जैसे हिसाब हम फर्स्ट नेम यहाँ रखना है और लास्ट से। नेम उसके सामने इधर रखना है, तो ऐसे करके हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम सामने रख सकते। हाँ ये हो गया, मान लीजिए अभी भी सेव नहीं यहाँ से हुआ, अभी करना। भी नहीं हुआ फर्स्ट नेम हाँ, लास्ट नेम थोड़ा का, सा ही नीचे चल गया है, एक अरे वो स्टेप था ऊपर जाएगा। ना उसको तो। बस हो गया, तो ऐसे कर सेव सकता है, करना ठीक है। तो ऐसे पेज पेज मॉडिफाई ऐसे होता है, तो ये मॉडिफिकेशन सीख के आप सेव करो इसको। अब वापस अकाउंट रिकॉर्ड पेज में जाओ, बैक करो, है, यहाँ जाते हैं ना, बैक करो, बैक करें कि रिक्वेस्ट बैक करें। बैक बैक अभी तुम। बैक करेंगे, रिक्वेस्ट कभी नहीं ना। अभी रिफ्रेश अपने आप हो जाना चाहिए, देखते हैं और डिटेल्स आ गया ना, देखो फर्स्ट फर्स्ट नेम नेम लास्ट नेम। लास्ट तो इसी तरीके से अब इसको यहाँ खुला छोड़ के तुम राइट वाला जो टैब खोले हो वहाँ पे अपना पेज मॉडिफाई कर सकते हो, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करके वो चेंज देख सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ से ना, यहाँ से जाके हम यहाँ से जाएंगे फिर इसको खोलेगा, डाउन, और खोल के फिर वहाँ पे जो भी चेंज करोगे वहाँ पे आकर रिफ्रेश। करेंगे। और एक चीज़ रुको, और एक चीज़ रुको, वापस जाओ उसमें। अब मान लो बार 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 तुमको सेव कर करके वापस नहीं आना है, तो क्विक सेव कर सकते हो। क्विक सेव का मतलब पेज खुला रहेगा लेकिन तुम्हारा चेंज सेव हो जाएगा, फिर वहाँ पर जाकर रिफ्रेश कर। अच्छा ठीक है, वो नीचे करो, वो चेंज करते हैं हम लोग, नीचे करो राइट साइड से, उसको डिलीट कर दो, रेटिंग को डिलीट कर दो, रेटिंग तो तुम्हारा में नहीं है ना, रेटिंग को डिलीट करो। अब इस बार क्विक क्विक सेव क्लिक करो, वापस से रिकॉर्ड में जाओ, टेस्ट रिकॉर्ड में, आज रिफ्रेश करके देखो चल गया होगा। चल गया ना, अरे नहीं गया। ठीक अरे जाओ वापस जाओ, अकाउंट में जाओ, देखो अकाउंट में जाओ, सेव हुआ कि है, नहीं, सेटिंग है। सेव करो, फिर रिफ्रेश करो जाके। अरे नहीं, इसको बैक जाना होगा। नहीं, चल जाना चाहिए सलाह, कभी कभी कैसे मेमोरी कैसे क्लियर नहीं होता तो वही होता। एक काम करो इसका, चलो तो इस कैसे मेमोरी, कैसे मेमोरी क्लियर करो वहाँ पे। कंट्रोल, तो वी लिखा हुआ है ना ब्राउजर का वी, उसका 3 डॉट्स में क्लिक करो, ब्राउजर में देखो कॉर्नर में वी लिखा हुआ है ग्रीन कलर का, राइट साइड में जहाँ से ब्राउजर बंद होता हाँ, है। उसके बगल में 3 डॉट है। सेटिंग्स हो हाँ जाओ, हाँ सेटिंग्स ये ब्राउजर का काम ऐसे, इसको काम नहीं है। इसमें तुम जाओ है। हाँ नीचे आओ, हाँ देखो क्लियर इसको करें। हाँ, क्लियर ब्राउजिंग डेटा में जाओ, इसमें उसको ब्राउजिंग हिस्ट्री को हटाओ। अबे रुको रुको रुको, अभी मत करो, ब्राउजिंग हिस्ट्री को अनचेक करो, डाउनलोड हिस्ट्री को अनचेक करो, हम लोग खाली कैसे इसको मेमोरी, अनचेक, हाँ उसको भी अनचेक करो, उसको भी अनचेक इसको करो, बस हाँ खाली कैसे डिलीट करना है, बस कैसे कैसे डिलीट करना है, उसको क्लियर डेटा करो। होते रहेगा। देखो, रुको इधर रुको, देखो, नहीं, उसको होने दो, तभी होगा, देखें 429 MB का है, ये ना, हो गया। अब फिर से रिफ्रेश करो, गया चल गया ना, वो सेल्सफोर्स का इशू है, वो कैश मेमोरी मेमोरी क्लियर नहीं हो पाते हैं कभी कभी, तो वहीं से उठा लेता है, इसीलिए वो तुमको बार बार वो तो बोलता है। कभी भी होगा तो ब्राउजर में हम उसको कर लिया हाँ मान करते लो तुम कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा है, मतलब कि वो कैसे से उठा रहा है बार बार, इसीलिए
ठीक है, समझ गया ना आज कैसे करना है, पेज वेज पेज कैसे करना है, फील्ड कैसे ठीक बनाना है, वो समझ के वो सब बना कर रखो। और ऑटो पॉपुलेटेड जितना भी फील्ड है उसको लिख के रखना, तो कल एक एक करके हम लोग सीखेंगे उसको कौन कौन सा ऑटो पॉपुलेटेड फील्ड कैसे कैसे करना है।